Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो guys, आज चलते हैं घर वापस बहुत दिनों के बाद. मतलब भाई हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया है. मैं घर से बाहर हूँ. मैं मनाली गया था. फिलहाल मैं मुंबई में हूँ. इंपॉर्टेंट काम से आया जो कि कंप्लीट हो चुका है. तो आज चलते हैं वापस. अभी मेरी 7 बजे की फ्लाइट है तो जल्दी से निकलते हैं. अभी नहाते हैं और निकलते भी 6 बजे हैं. फिर जल्दी जल्दी नहाते हैं और निकलते हैं. और आज देखो, आज मैं नहाऊंगा यहाँ पे. ये प्लास्टिक का बाथरूम है भाई, ये पूरा ना. तो आज फर्स्ट टाइम प्लास्टिक के बाथरूम में नहाऊंगा मैं. तो भी गाइस, नहा धो के रेडी हो गए, अब चलते हैं. एक बात बढ़िया कि पास में ही एयरपोर्ट, 3 मिनट दूर है बस एयरपोर्ट. सामने ही एयरपोर्ट है. तो अभी हम जा रहे हैं कैब में एयरपोर्ट तक. लो भाई, पहुंच भी गए एयरपोर्ट. ये रेलगाड़ी आज हमको फिर से दिख चुकी है. देखो तो अभी लाइन में लग गए. देखो सुबह सुबह कितनी भीड़ है यहाँ पे. ये 2504 दिल्ली 745. गाइस टाइम से पहुंच गए. तो फिलहाल कुछ खा लेते हैं. तो फिलहाल हम जा रहे हैं स्टारबक्स. तो अभी हम लेंगे तंदूरी पनीर सैंडविच. तो हमने कॉफी और सैंडविच लिया यहाँ से. भाई दो सैंडविच है इसमें. गाइस कभी सोचा था कि हम स्टारबक्स की कॉफी पियेंगे इस तरह से. दो लेंगे भाई, जल्दीबाजी में स्टारबक्स की कॉफी पीनी पड़ रही है. और साथ में गिफ्ट भी मिल गया. एक सब्सक्राइबर मेरे तो उन्होंने गिफ्ट भी दे दिया. मैं मना करता बट फिर भी दे दिया. थैंक यू सो मच. इसके अंदर कुछ है. पहुंच गए आज तो टाइम से पहुंच गए भाई, वरना फिर से पोपट हो जाता. बॉम्बे में पोपट हो गया. गाइस मेरा ना पोपट वर्ड बहुत बहुत फेमस हो चुका है. बहुत ज़्यादा हर कोई पोपट पोपट बोलता रहता है. तो मेरे को चिढ़ाते भी काफ़ी लोग. तो मुझे काफ़ी सही भी लगता है कि हाँ चलो पोपट वर्ड बढ़िया है. कौन सी अपनी? अब मैं सोऊंगा बिकॉज बहुत दिनों से नींद पूरी नहीं हुई है भाई. ये है मुंबई. सी भी आ गया. देखो बोर्ड से ना यहाँ पे. गाइस दिल्ली पहुंच चुके हैं. फाइनली दिल्ली पहुंच गए. अब हमको उत्तराखंड जाना है. गाइस ये वाली बस तो फुल हो गई. आ गई दूसरी बस. तो गाइस इस वाले प्लेन में आए थे हम. देखो गाइस दिल्ली पहुंचते एकदम ठंड लगी भाई. मुंबई में बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, वहां पे तो गर्मी हो रही थी. पारस भी आ गए, चलते हैं अब जल्दी से. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तो गाइस चलते हैं पारस भाई घर पे. वहीं पे हमारी फॉर्च्यूनर खड़ी है. फॉर्च्यूनर और सामान भी, और मेरा सामान भी पारस भाई घर पे पड़ा है. तो सामान उठाते हैं फॉर्च्यूनर में डालते हैं और चलते हैं सीधा हल्द्वानी उत्तराखंड. भैया शिंगाने दे दो. चलो भाई पहुंच गए. तो भी गाइस आंटी जी हमारे लिए आलू के परांठे बना रही है. आलू के परांठे खाएंगे और फिर चलेंगे. तो भी गाइस खाना आ गया. आलू का परांठा दही खाते हैं. लो आप खाओ ना. नहीं आप भी, आप भी खाओ. अरे आ रहा है ना गरम गरम. ओ भाई टायर में हवा ही नहीं है भाई, ये क्या कर दिया. लो भाई फिर से पॉपट. मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है किसी ने जानबूझ के निकाली इसकी हवा भाई. इतना बुरी तरह शायद, देखना कैसे चिपका हुआ जमीन से. तो हम कल ही खड़ी करके थे इसको. हवा भर के देखते हैं अब. गाइस में हवा भरी नहीं जा रही. तो भी गाइस पूरा टायर ही खोल रहे हैं. टायर खराब हो चुका है पूरा. अब इस टायर का क्या होगा? टायर क्या होगा? खत्म है टायर. टायर खत्म खत्म. बेच देंगे इसको 2 रुपए किलो. तो भी गाइस पूरा टायर ही चेंज कर रहे हैं. जैक लगा दिया है. अब इसको उठा रहे हैं फिर टायर चेंज करेंगे. मेरा टायर खराब हो गया. पता कितना नुकसान हो गया तो भाई. हम लगा रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे. उठ गया भाई, हवा में आ गया, हवा में आ गया. बड़ा भारी है भाई. भाई टायर निकाल दियो. भाई क्या कर रहे हो? ये वाले टायर निकालना भाई. देखिए वीडियो इसकी. अभी कैसे निकलेगा टायर भाई? किसी को बुला लो यार. बुला के लाऊं? हाँ किसी को बुला लो. ये तो निकाल दिया. अरे नहीं निकलेगा भाई, कपड़े गंदे मत करो अपने. भाई किसी को बुला लेते हैं यार. मैकेनिक को बुला लेते हैं यार. ये भाई ये टायर ना गिर जाएगा, लग जाएगा. फाइनली गाइस हमको जुगाड़ मिल गया खोलने के लिए. ये देखो आप खुल रहे हैं ना, यहाँ से खुलता है ये. नहीं नहीं पापा नहीं, खुल गया खुल गया. टायर खुल गया, आ गया टायर नीचे आ गया. ये देखो नया टायर है. ये देखो ये पूरा घस गया था, ये पूरा प्लेन हो गया घस के. तो इस टायर तो लगा दिया. हटो एक बार जल्दी हो. लेकिन इस टायर की हालत देखो भाई. मुझसे कितने पैसे लोगे वैसे? 150 रुपया लेगा. 150 रुपया? मैं आपको टायर लगाने के पैसे नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिखाने के पैसे दे रहा हूँ. आपने सिखा दिया. कहीं पे खराब होता तो मैं खुद लगा सकता हूँ. टायर हम ऐसे ले जाएंगे बिकॉज ये टायर खराब हो चुका है ना. हाँ ऐसे बस बस. और यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर भी आ गए देखो सारे. फाइनली फॉर्च्यूनर ठीक हो चुकी है. पता नहीं किसने इसकी हवा निकाल दी थी और पूरा टायर ही अब खत्म हो गया. तो अब पूरे टायर के मेरे को पैसे देने पड़ेंगे. मैं कल ही तो खड़ी करके गया हूँ. बॉम्बे गया था ना मैं, और आज आके देखा भाई हवा निकली हुई है. पता नहीं किसी को क्या ही मिलता है इस तरह काम करके, हवा निकाल के टायर खराब करके पंचर करके. इस तरह से क्या ही मिलता है. मेरा पूरा टायर खराब हो गया. 20-25 हज़ार का टायर आएगा. अब नया टायर लेना पड़ेगा. ये पूरा एक मतलब उसमें बहुत सारे कट लग गए. मतलब इसमें छेद कर रखे भाई, छेद से हवा निकल रही है. हवा भरी नहीं जा रही उसमें. और मेरे को ना अब उतना कुछ फील भी नहीं होता, मुझे पता है ऐसा होना ही होना है. कुछ ना कुछ होगा, कोई डेंट मार दिया, कोई इस तरह से टायर हवा निकाल दिया. मेरे को पता होता है कि हाँ गाड़ी खड़ी है
तो मतलब कुछ ना कुछ होगा क्योंकि लोग चुल है, लोग ना किसी को देख नहीं सकते आगे बढ़ते हुए, तो लोग सोचते हैं उसकी गाड़ी है ना, गाड़ी में ऐसा कर, उस गाड़ी में ऐसा कर, तो मैं मतलब मेरे को कुछ फील नहीं था, मैं सोचता यार ये होना ही था, ये तो हो, मेरे को लगता है कि गाड़ी खड़ी करो ना कोई कुछ ना कुछ कर ही देगा, मुझे ऐसा फील अंदर से ऐसी आता है। तो मैंने ना ये चीज़ मान लिया कि ये मेरे साथ में होगा, मैं फेमस हूँ, मेरे को इतने सारे लोग जानते हैं, तो उसमें कुछ हेटर्स भी होंगे और ये सब मेरे साथ में होगा, मेरी गाड़ी ख़राब होगी, गाड़ी लोग छेड़ेंगे, गाड़ी में डेंट मारेंगे, गाड़ी ठोकेंगे या फिर पंचर करेंगे, टायर में हवा निकाल देंगे, ये मेरे साथ में होगा। मैंने सोच लिया भाई मेरे साथ में सब कुछ होगा, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, तो मैंने मान लिया। मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ, सोचता हूँ कि इसमें कुछ भी हो सकता है और ये होंगी ही, हमेशा ही होंगी। मेरे व्लॉग्स में देखना, अभी ये हुआ है, फिर कभी कुछ कोई कुछ और कर देगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ, कोई किस तरह से हेट फैलाएगा, कोई कुछ कहेगा, तो ये सब मैंने सोच लिया कि भाई इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बारे में बहुत लोग उल्टा बोलते हैं, बहुत उल्टा करते हैं, मैं ये भाई पार्ट है, अब जो मैंने लाइफ मेरी हो गई है ना, तो ये उसका पार्ट है, तो ये होगा ही होगा, ये मैंने मान लिया बस। और अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, व्लॉगर बनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप फेमस होते हैं तो ये आपके साथ में भी होगा, हर किसी के साथ में होता है, तो ये मैं समझ लेना। तो ये बात ध्यान में रख के फेमस होना, यूट्यूबर बनना, व्लॉगर बनना, कि हाँ भाई उल्टी सीधी चीजें होंगी लाइफ में। तो फाइनली गाइस हम निकल गए, यहाँ पे हमको 2 घंटे लगे भाई, 1 बज गया भाई, 1 बज गए यार, बहुत लेट हो गए, क्या ही कर सकते हैं, हेटर्स का कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ भी नहीं भाई, हेटर्स का कुछ भी नहीं भाई, छेद करे थे उसमें छोटे छोटे छेद कर रखे थे, और पता है गाइस ऐसी जगह पंचर कर रखा है जहाँ मतलब टायर ठीक ही नहीं हो सकता, पंचर ही सही नहीं हो सकता, पंचर सही हो ही नहीं सकता, ऐसी जगह पंचर कर रखा है, और छोटी सी कोई मतलब सुई से 4-5 छेद मार रखे हैं खतरनाक वाले, बहुत जगह से हवा निकल रही है उसमें। तो भी गाइस एक दिक्कत हो गई, टायर चेंज तो कर दिया लेकिन टायर ना अच्छे से घूम नहीं रहा, ऐसे घूमने में ना वो ऐसे ऐसे हो रहा है, तो भी हम टोयोटा जा रहे हैं, इसको ठीक कराते हैं, पहले खुद चेंज तो कर दिया लेकिन भाई हमको बहुत दूर जाना है हाईवे पे, कहीं टायर निकल ना जाए भाई, तो टोयोटा जा रहे हैं, इसको ठीक कराते हैं पहले। तो भी गाइस टोयोटा पहुंच गए, गैलेक्सी टोयोटा, अब गाड़ी दिखाते हैं अपनी और फिर चलते हैं। गाइस यहां पे आके पॉपट हो गया, ये कह रहे अभी लंच टाइम चल रहा है, तो गाइस यहाँ पे सर और मैम मिले हमारे सब्सक्राइबर, तो इन्होंने जल्दी जल्दी करवा रहे हैं हमारे, तो अभी आ गए सर्विस स्टेशन पे, जल्दी से काम कराते हैं गाड़ी का और चलते हैं। फाइनली गाइस काम हो चुका है, अब चलते हैं। तो गाइस गाड़ी लेके हम निकल गए, जबकि लंच टाइम था फिर भी काम करवा दिया मेरा जल्दी जल्दी, देख लो भाई टोयोटा वाले मस्त है, तो हाँ थैंक यू टोयोटा वाले जितने भी थे ना, मतलब लाइफ में खराब लोग भी मिलेंगे, खराब लोग टायर पंचर करेंगे, सही लोग टायर ठीक करेंगे जल्दी जल्दी, देख लो गाइस लाइफ में 2 तरह के लोग मिलते हैं, एक काम खराब करने वाले और एक काम सही करने वाले, तो हमको सही करने वालों पे ध्यान देना है, क्योंकि नेगेटिविटी तो सब जगह ही होती है, अगर मैं नेगेटिविटी पे ध्यान दूंगा ना तो मैं भी नेगेटिव हो जाऊंगा, मैं भी नेगेटिव की तरह से ग्रो करूंगा, बट अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की तरफ ध्यान दूंगा तो मैं पॉजिटिवली ग्रो करूंगा, मेरे माइंड में भी पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी। तो अभी गाइस हम रुके हैं बर्गर किंग बर्गर लेने के लिए, तो यहीं से ऑर्डर करेंगे, तो गाइस यहाँ पे ड्राइव थ्रू हमको गाड़ी में मिल जाएगा, देखो यहाँ से हम ऑर्डर करेंगे उधर से ले लेंगे, सारी वीडियो देख रखी है, अरे जानते हो, अरे वाह, तो भैया मुझे जानते हैं, भैया कह रहे हैं सारी वीडियो देखी है, तो एक वेज ऊपर, चलो भाई ऑर्डर कर दिया अब चलते हैं, यहाँ से मोड़ेंगे, सही है कहीं पर रुकने से बढ़िया गाड़ी में बैठे बैठे हम बर्गर खा लेंगे, ओके जल्दी जल्दी खाते हैं इसको, गाइस देखो कितना मस्त लग रहा है, भूख लग रही होगी ना, सॉरी गाइस, तो अब पीते हैं कॉफी, नींद भी तो नहीं आनी चाहिए ना, कॉफी पीकर तो नींद उड़ जाएगी सारी। तो अभी गाइस खाना पीना खा के निकल गए, 3 घंटे और ड्राइव करना है 150 किलोमीटर। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम हल्द्वानी, गाइस पहुंचते ही ओरियो भोंकने लगे, ओरियो को चल गया पता है कि मैं आ गया हूँ, पीयूष आ गया है, कुनाली भी आ गया, कुनाली नाश्ते। गाइस मैं तो ओरियो से मिलने के लिए एक्साइटेड रहता हूँ, बाबू प्रणाम, चाय जी प्रणाम, क्या हुआ नहीं गाइस, जब भी मैं बाहर जाता हूँ कुनाली के मजे हो जाते हैं भाई, ये मतलब टीवी देखता रहता, मैं इसको कैमरे में देख रहा था। तो भी गाइस शाम के 7:30 बज चुके हैं, अब पहुंचे, सुबह 7:30 बजे निकले, पूरे 12 घंटे मुंबई से यहाँ पहुंचने में पूरे 12 घंटे लग गए हमको। गाइस घर तो पहुंच गया, अब सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है गाड़ी में सामान निकाला, गाड़ी में इतना सामान भरा हुआ है ना भाई, कुनाली आप भी निकलवाओगे? हाँ। कुनाली आपके लिए इसमें गिफ्ट है, आपके लिए गिफ्ट है, किसी ने टायर फाड़ दिया हमारा जानबूझ के, हाँ कैसे खड़ी करी थी ना, किससे फाड़ा पता नहीं, कील वील डाल रखे थे, और तो कुछ ना यार, और क्या दूं इसको, तो ले जाओ, इससे कुछ नहीं होता, ये तो बस एक हाथ से उठा लूंगा ऐसे। अच्छा एक और दूं? हाँ, एक और दो। लो बस। तो गाइस सारा सामान गाड़ी से निकाल लिया, इतना सारा सामान गाड़ी में भरा हुआ था भाई, और मम्मी पापा और साहिल घर पे नहीं है, वो अपनी शादी में गए कहीं पे, तो वो दो तीन दिन में आएंगे, वो गांव वगैरह गए थे ना। तो भी गाइस हमारा खाना आ गया, दाल रोटी हरी सब्जी और आलू, थैंक यू चाची, तो आज खाएंगे मस्त घर का खाना। तो भी गाइस एडिटिंग भी कंप्लीट हो गई है, अब फिलहाल मैं सोऊंगा, बिकॉज बहुत दिनों से भाई नींद पूरी नहीं हुई, तो अच्छे से नींद पूरी करेंगे। चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। मेरे हाथ में भी होता ना एक ऐसी, मेरे हाथ में भी होता ना।